ओम शांति नमस्कार कविताओं की कड़ी में आज हम एक नई कविता सुनेंगे परिवार में जब तक प्यार न हो तो परिवार परिवार नहीं लगता यदि प्यार हो तो परिवार एक स्वर्ग के समान बन जाता है और यदि यही प्यार सारी दुनिया में हो तो सारी दुनिया भी स्वर्ग बन सकती है तो आइए हम एक दूसरे से प्यार निभाएं, एक दूसरे को सम्मान करें रिश्तों की कड़वाहट को मिटाएं और धीरे धीरे सारे संसार को भी हम स्वर्ग बनाने की ओर आगे कदम बढ़ाएं। इन्हीं विचारों को कविता के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आए हैं आइए कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है रिश्तों में प्यार जगाओ जग को स्वर्ग बनाओ अपने रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं फैलाओ अपने रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं फैलाओ आपस में मिलकर हर रिश्ते में मधुरता लाओ आपस में मिलकर हर रिश्ते में मधुरता लाओ एक दूजे से बंधे रहना तुम डोर प्रेम की लेकर एक दूजे से बंधे रहना तुम डोर प्रेम की लेकर नफरत घृणा मिटाना प्यार एक दूजे को देकर नफरत घृणा मिटाना प्यार एक दूजे को देकर मालूम नहीं किसी को हम कितने दिन जिएंगे मालूम नहीं किसी को हम कितने दिन जिएंगे क्या जीवन भर केवल नफरत का विष ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है क्या जीवन भर हम अपने ही लोगों से अपने ही रिश्तेदारों से अपने ही मित्रों से अपने ही परिवार के सदस्यों से नफरत करते रहेंगे क्या इसी नफरत का विष हम जीवन भर पीते रहेंगे ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इस पंक्ति को हम फिर से सुनते हैं मालूम नहीं किसी को हम कितने दिन जिएंगे? मालूम नहीं किसी को हम कितने दिन जिएंगे क्या जीवन भर केवल क्या जीवन भर केवल नफरत का विष पियेंगे हर रिश्ते का सम्मान करो हर रिश्ते का सम्मान करो ये ईश्वर की सौगात हमें भाई मिले हैं हमें बहन मिली है माता पिता मिले हैं चाचा मिले हैं मामा मिले हैं इतने रिश्तेदार हैं हमारे जीवन में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारे जीवन में इतने मित्र और संबंधी मिलते हैं तो इसको हम ईश्वर की सौगात समझें, तभी हम उन रिश्तों का सम्मान कर सकेंगे हर रिश्ते का सम्मान करो ये ईश्वर की सौगात हर रिश्ते का सम्मान करो ये ईश्वर की सौगात छोड़ो मन मुटाव छोड़ो मन मुटाव करो आपस में प्यार की बात छोड़ो मन मुटाव करो आपस में प्यार की बात अपने परिवार को बनाओ हमें अपने परिवार को क्या बनाना है वो आगे की पंक्तियों में जो अंतिम पंक्तियां हैं सुनते हैं अपने परिवार को बनाओ प्यारी सी फुलवारी फुलवारी में आप देखें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं जो अलग अलग तरह की सुगंध बिखेरते हैं तो अपने परिवार को इस तरह का एक फुलवारी बनाना है यही बात इन पंक्तियों में अपने परिवार को बनाओ प्यारी सी फुलवारी अपने परिवार को बनाओ प्यारी सी फुलवारी आपस के प्यार से ही स्वर्ग बनेगी दुनिया सारी आपस के परिवार से ही स्वर्ग बनेगी दुनिया सारी तो दोस्तों अपने रिश्तों में प्यार जगाइए प्यार से निभाइए और इस दुनिया को स्वर्ग बनाइए इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति नमस्कार